इस वक्त हम खड़े हैं लंदन की गंगा कहे जाने वाली थेम्स नदी के किनारे, जहां पर मौजूद है यहां का सुप्रसिद्ध टावर ब्रिज। 1894 में बनकर तैयार हुआ ये वो टावर ब्रिज है जिसे अपने आप में वास्तुकला की एक अनूठी मिसाल कहा जाता है। उस दौरान इस ब्रिज को बनाने में करीब 10,400 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। आज ये ब्रिज दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट साइट्स में से एक है। लंदन आने वाले सैलानी यहाँ पर आना कभी भी नहीं भूलते। खास बात इस ब्रिज की ये भी है कि इस ब्रिज का सेंट्रल पोडियम अपने आप में फ्लेक्सिबल है। इस नदी से जहाजों को पार कराने के लिए इस ब्रिज को बीच से खोल दिया जाता है। करीब 50 साल पहले तक इस ब्रिज को खोलने के लिए स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आ जाने से अब इस ब्रिज को खोलने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस वक्त यहां पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जब भी यहां से जहाज निकलते हैं उस वक्त इस ब्रिज को बीच से खोल दिया जाता है। टावर ब्रिज को लंदन की पहचान भी माना जाता है। किसी जमाने में थेम्स नदी को पार करने के लिए ये इकलौता जरिया हुआ करता था। इसके एक ओर नॉर्थ लंदन है और दूसरी ओर साउथ लंदन। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सेना इसी ब्रिज के किनारे से जहाजों में बैठकर भारत और अफ्रीका के अपने उपनिवेशों की ओर विजयी अभियान की ओर गई थी। लंदन टूरिज्म की माने तो हर रोज यहां पर करीब 10,000 सैलानी आते हैं, जिनकी पसंद आज भी लंदन ब्रिज उसी तरह है जैसा सालों साल से सैलानियों की रहा है। लंदन टूरिज्म की माने तो आज यहां हर रोज कम से कम 10,000 सैलानी आते हैं, और यही वजह है कि आज भी टावर ब्रिज दुनिया के सर्वोत्तम टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यानी आप भी यही कहेंगे, है ना टावर ब्रिज शानदार। कैमरामैन परवेज अहमद के साथ ऋषभ शर्मा, लाइव इंडिया, लंदन, इंग्लैंड।